नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपलन में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं करने जा रही हूँ मंथली रीडिंग। आने वाला महीना यानी अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के लव लाइफ एंड करियर के लिए कैसा रहेगा, वो मैं बताने जा रही हूँ अपनी रीडिंग के थ्रू, ठीक है। और इसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, इस तरह से मैंने पार्ट किया है, ओके, पार्ट्स बनाया है। और अगर आपका सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड इन राशियों में से कोई एक राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पर दिया हुआ है, सो वीडियो को एंजॉय कीजिए। हेलो अर्थ साइन, अगर आपका सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और मैंने कार्ड्स को प्री शफल करके रखा हुआ है ताकि रीडिंग ज्यादा लंबा ना हो, ओके। सो यहाँ पर है 10 of Cups, 5 of Swords, Page of Pentacles, 5 of Pentacles, 7 of Pentacles, High Priestess, King of Cups एंड Temperance। यहाँ पर मुझे ये देख रहा है कि आप में से बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ओके, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, ओके। एंड नॉट ओनली दैट, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये वो प्रपोजल भी हो सकता है जो शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप होता है उससे रिलेटेड भी प्रपोजल्स आप लोगों को मिलने की पूरी चांसेस है, ठीक है। एंड ऑल्सो मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल मिलने की भी पूरी पूरी चांसेस है। एंड आप लोग उस इंसान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि ये इंसान आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मीन्स ये एक ऐसे इंसान है जो सेंसिबल है, रोमांटिक है एंड ऑल्सो दिमाग से मैच्योर्ड है, ओके। एज वाइज बहुत मैच्योर भी मैं नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मैच्योर है एंड सही रहेगा आपके लिए, आप लोग उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत काम लोगों के लिए है ये, आप लोगों का ना किसी के साथ अपने फैमिली से रिलेटेड इंसान के साथ या फिर अपने किसी लव वंस के साथ थोड़ा बहुत नोकझोंक होने की चांसेस है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ हो ऐसा, बट चांसेस है कि किसी किस्म का मन मुटाव हो, लड़ाई झगड़ा या फिर जो ईगो क्लैशेस होते हैं ना वो होने के चांसेस मुझे यहाँ पर थोड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। सो बी केयरफुल, अपने थोड़े ईगो को शांत रखिएगा, ओके। एंड लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी प्रपोजल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जॉब से रिलेटेड प्रपोजल भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, ओके। प्रपोजल बहुत बड़ा तो मैं नहीं बोलूँगी, ओके। जहाँ तक बात करियर से रिलेटेड है तो ये छोटा मोटा ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अचानक से लाखों रुपए की सैलरी का या बहुत ज़्यादा अमाउंट वाले सैलरी का जॉब मिल गया हो या फिर ऐसा बिजनेस आपका हो गया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा कम सैलरी ही सही, लेकिन मिलने की चांसेस आपको है, आप चाहो तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ओके। मुझे अच्छा ही लग रहा है, ये चीज़ बुरा नहीं है, ओके, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो करियर से रिलेटेड, ठीक है। अगर बिजनेस है तो वो भी कर सकते हो, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, अगर नहीं गुजरे हैं तो गुजरने की चांसेस मुझे थोड़ा लग रहा है अप्रैल के महीने में, ओके। और ये हेल्थ इशू ज़्यादा बीमारी वाला वो नहीं है, लाइक थकावट होगा आप लोगों को काम से रिलेटेड, स्पेशली काम से रिलेटेड, ओके। चाहे वो घर का काम हो या फिर घर के बाहर जो भी आप लोग जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ टायर्डनेस महसूस हो रहा है, ओके। टायर्ड हो गया आप लोग, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एंड आप लोगों की इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है अप्रैल मंथ में, सो अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी एक वो एडवाइस मिल रहा है कि आप लोग ना अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ओके। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है, तो उसको लेकर आप लोग टेंशन मत कीजिए, एंजल्स ऑलरेडी आपके साथ हैं, उनकी तरफ से आप लोगों को सही गाइडेंस भी मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ओके।
डबल फाइव यहाँ पर दिख रहा है मुझे, और डबल फाइव भी यही बोला जाता है कि इसका मीनिंग वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ, सो आप लोग जो हो, आप रियल में जो हो, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए एंड फोकस कीजिए अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी क्रिएटिव साइड की तरफ फोकस कीजिए, ओके, एंड पॉजिटिव रहिए। एंजल्स नंबर जितने भी आप लोगों को दिखाई देता है, उन सबका एक मीनिंग तो एकदम कॉमन है, और वो है पॉजिटिव रहना, ओके? आप लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये मीनिंग हर एक एंजल नंबर का होता है। बाकी और बहुत सारे मीनिंग होता है, लेकिन मेनली ये मीनिंग होता है कि आपको अपने करंट सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, तभी आप लोगों का जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है? सो पॉजिटिव रहिएगा। और यहाँ पर एंजल्स की तरफ से और भी मैसेजेस है, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आर्के एंजल माइकल की तरफ से है, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड गार्डिंग यू योर लव्ड वंस एंड होम, ओके? आर्के एंजल माइकल की तरफ से भी आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है, अगर किसी किस्म की नेगेटिविटी से आप लोग जूझ रहे हो, सो डोंट वरी, जैसे कि मैंने कहा, एंजल्स की प्रोटेक्शन यहाँ पर है ही आपके लाइफ में, ओके? सो आप लोग सेफ हैं, डोंट वरी, आप भी सेफ हो, आपके घर वाले भी सेफ है, आपके जो अपने हैं वो भी सेफ है, ओके? सो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? दूसरा मैसेज भी आर्कएंजल माइकल की तरफ से ही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, दो दो मैसेजेस आए हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से। दूसरा मैसेज है, आई एम विथ यू गिविंग यू द करेज टू मेक लाइफ चेंजेस डेट विल हेल्प यू वर्क ऑन योर डिवाइन लाइफ पर्पस, ओके? आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, अगर आप अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हो तो कीजिए, ये टाइम है, ओके? सही टाइम है डिवाइन की तरफ से, सो आप कीजिए, देर मत कीजिए, स्पेशली अपनी इंट्यूशंस का सुनिए। जैसे कि मैंने बोला, आप लोग की इंट्यूशन अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा यू नो डेवलप होने वाला है, किसी किसी का तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी मतलब इंट्यूशन ऑलरेडी आप लोगों में से कुछ लोगों का ऑलरेडी शार्प है, लेकिन जिनका इंट्यूशन उतना शार्प नहीं है वो अप्रैल के मंथ में शार्प होगा बहुत, तो इंट्यूशंस का सुनिए और अपने डिवाइन लाइफ पर्पस के ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है? दूसरा मैसेज है ओरेकल मैसेज, यहाँ पर है आप लोगों के लिए, मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज एसेंशियल राइट नाउ। जैसे कि मैंने बोला, अप्रैल के मंथ में आप लोगों को थोड़ा थकावट हो सकता है, ठीक है? थकावट, टायर्डनेस, जो भी आप लोगों का काम है, लाइफ का जो भी शेड्यूल है, डेली जो शेड्यूल है आप लोगों का, उसमें आप लोगों थोड़ा सा थकावट आपको महसूस हो सकता है, सो खुद का केयर कीजिएगा, ठीक है? सही टाइम पर खाना खाइए, हद से ज़्यादा भी काम मत कीजिएगा, ठीक है? हद से ज़्यादा भी काम मत कीजिएगा, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो आपका बॉडी इतना सब कुछ झेल नहीं पाएगा, है ना? हम लोगों का बॉडी, हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, राइट? तो एक लिमिट तक ही हम लोग सह पाते हैं, है ना? तो खुद का ख्याल रखिएगा, अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिएगा, ओके? दूसरा मैसेज है, प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। प्लेफुलनेस यानी हद से ज़्यादा आप लोग सीरियस भी मत हुआ कीजिए अपने लाइफ में। जैसे कि मैंने बोला, अप्रैल के मंथ में आप लोगों के अंदर काम से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा आप लोग बहुत ज़्यादा यू नो काम कर रहे हो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो आप लोग, टेंशन भी लेते हो, एंड इस वजह से जो थकावट हो रहा है आप लोगों को, होने वाला है आने वाले मंथ में, उससे निजात पाना है तो आपको क्या करना है, प्लेफुलनेस, जो चाइल्डिश एनर्जी होता है, बच्चों वाला जो एनर्जी होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लाइफ को हर वक्त भी सीरियस लेना ठीक नहीं है, हर वक्त सीरियसली मत लिया कीजिए, कई कई बार ऐसा है कि बच्चों के साथ बच्चा बनना भी ज़रूरी होता है, हम सब के अंदर एक बचपना जिंदा है, एक बच्चा जिंदा है, हर एक इंसान के अंदर होता है, लेकिन कई बार लोग अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से वो बच्चा कहीं ना कहीं यू नो खो जाता है इंसान के अंदर जो होता है, तो उसको खोने मत दे, ठीक है? प्लेफुलनेस बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए आने वाले महीने में, ओके? सो दूसरा मैसेज है, हीलिंग फैमिली इशूज योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अगर आप लोगों की लव लाइफ में आपके पेरेंट्स से रिलेटेड किसी किस्म का इशू चल रहा है, ओके? लव लाइफ मीन्स आपके मैरिड लाइफ में भी, ओके? जो लोग मैरिड है उनके लिए मैं बता रही हूँ, और जो लोग अनमैरिड है उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, अगर लव लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के लाइफ में हो रहा है, उसमें अगर आपके पेरेंट्स की वजह से किसी किस्म की दिक्कत हो रहा है, लाइक
आपके घर वाले आप लोगों के रिश्ते को मान नहीं रहे हैं, या फिर शादी के लिए डिले हो रहा है, या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हो रहा है, तो अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कीजिएगा, ठीक है। किसी के लिए भी अपने मन में मैला मत रखिएगा, ओके। जो भी हो रहा है सोचेगा कि ये अच्छे के लिए ही हो रहा है, इसलिए कि अभी किसी इंसान के लिए खुद के दिल में मैला मत रखिएगा, स्पेशली आपके पेरेंट्स के लिए। जो भी हुआ, जिस वजह से भी हुआ, अच्छे के लिए हुआ यही सोचेगा, ठीक है। सो अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका लव लाइफ में काफ़ी हीलिंग आएगा, ओके। वैसे भी मुझे यहाँ हीलिंग दिख रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। सो हील होंगे आप लोग, डोंट वरी। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको क्या चाहिए लाइफ में उसके ऊपर डिसाइड कीजिए, स्पेशली लव लाइफ में। अगर आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन में है, दो पार्टनर के बीच, दो इंसानों के बीच अगर आप कन्फ्यूज है, सो उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, ठीक है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेहतरी है, ओके। उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप जब ही आप क्लियर हो जाओगे, वो इंसान तुरंत आपके लाइफ में आ जाएगा। एग्जैक्टली मैं करियर के बाद भी यही बोलूँगी, करियर के बारे में। जो लोग करियर से रिलेटेड मतलब ऐसे कन्फ्यूजन में है कि ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ, इस किस्म की अगर कन्फ्यूजन में है आप लोग, तो उसको क्लियर कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप क्लियर करोगे तो वो, चाहे वो इंसान हो, जॉब हो, या फिर किसी किस्म की बिजनेस हो, कुछ भी हो, जो भी प्लानिंग आप लोग कर रहे हो, वो बहुत इजीली आप लोग ग्रैब कर पाओगे, आपके लाइफ में बहुत इजीली मैनिफेस्ट होगा वो चीज़, ठीक है। और यहाँ ओरेकल मैसेज है आप लोगों के लिए। यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विथ यंग पीपल एंड योर डिवाइन पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग और पेरेंटिंग चिल्ड्रेन। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए डिवाइन लाइफ पर्पस के बारे में आया है, इससे पहले भी आया था आर्कएंजल माइकल की तरफ से भी आप लोगों के लिए डिवाइन लाइफ पर्पस से रिलेटेड आया था। सो अलर्ट हो जाइए, डिवाइन लाइफ पर्पस बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप लोग अपने लाइफ पर्पस को जान नहीं लोगे, तब तक क्या होगा, आप लोग भटकते रहोगे। भटकते रहोगे मीन्स, चाहे वो करियर हो, आप कुछ भी काम करोगे वो काम बनेगा नहीं, बिगड़ता रहेगा, फिर आप दूसरा काम करोगे फिर बिगड़ेगा, फिर तीसरा करोगे फिर बिगड़ेगा। जब तक आप लोग अपने लाइफ पर्पस के बारे में जान ना लो, उसके ऊपर काम ना करो, तब तक आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, चाहे वो लव लाइफ में ही क्यों ना हो। लव लाइफ में भी होता है ये चीज़, सेम चीज़, कि अगर आप सिर्फ लव लाइफ में ही घुस गए हो पूरी तरह से, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ नोटिस ही नहीं करो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, सो जाहिर सी बात है आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। सो जो डिवाइन लाइफ पर्पस है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, ओके। कि जो डिवाइन लाइफ पर्पस होता है सबका अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का बहुत बड़ा लाइफ पर्पस हो, ओके। मतलब जहाँ तक यहाँ मैं देख पा रही हूँ, यहाँ जो मैसेज मिला है मुझे, आप लोग का लाइफ पर्पस क्या है, हेल्पिंग, यू नो, लोगों का हेल्प करना, टीच करना लोगों को, स्पेशली मुझे यहाँ चिल्ड्रन की एनर्जी मिल रहा है, बच्चों को, चाहे वो बच्चे कॉलेज का ही क्यों ना हो, लाइक टीनेजर्स क्यों ना हो, ओके ओके। सो उनको आप सिखा सकते हो, टीच कर सकते हो आप उनको, ओके, पेरेंट्स की तरह जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, टीच करते हैं, उसी तरह से आप उनको सिखा सकते हो, ओके, हेल्प कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, ज़रूरतमंद बच्चों की आप लोग मदद कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका भी लाइफ पर्पस हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी का सेम लाइफ पर्पस ही हो, लेकिन हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये लाइफ पर्पस हो सकता है, ठीक है। आपको खुद पता होगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको बेहतरी से पता होगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, वो कौन सा काम है जिसको करने से आपको सुकून मिलता है। बोलते हैं ना, वो किक फिल्म में सलमान खान ने नहीं बोला था, किक मिलता है ये करके, सो वो होता है लाइफ पर्पस, जिसको करने से आपको सुकून मिले, प्लस आपके थ्रू दूसरों का भी मदद हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का फायदा हो, वो लाइफ पर्पस नहीं होता जिसमें सिर्फ आप ही का फायदा होता है। लाइफ पर्पस वो होता है जिसको करने से दूसरे इंसानों का भी फायदा होता है, ओके। दूसरा मैसेज है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर सेफ एंड दिस सिचुएशन इज अंडर द परफेक्ट कंट्रोल ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। यहाँ पर भी आया था आर्कएंजल माइकल की तरफ से कि आप लोग सेफ हो, और यहाँ पर भी मैसेज आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी टाइम से कुछ टेंशन में हो। ये जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चाहे वो लव हो या करियर हो, आप लोग किसी किस्म की टेंशन में हो, मुझे ऐसा यहाँ फील हो रहा है। सो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग
प्यार के पीछे भाग रहे हो कि मुझे ये इंसान चाहिए, ये इंसान चाहिए इसलिए मुझे ठुकरा दिया, या फिर मुझे ये जॉब चाहिए, ये जॉब मुझे मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इस तरह से टेंशन मत लो। आप अपना लाइफ पर्पस के ऊपर काम करो, जो काम आप लोग फिलहाल कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। स्पेशली अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस कीजिएगा आप लोग, आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली वो प्यार, वो इंसान, वो जॉब जो आपका ड्रीम जॉब है या फिर जो आपका ड्रीम बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आता जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस करना है, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बिल्कुल सेफ हो। आर्कएंजल माइकल की तरफ से दो दो बार मैसेजेस भी आए हैं, यहाँ पर भी ऑरेकल मैसेज आया है, यूनिवर्सल ऑर्डर यू नो, डिवाइन की तरफ से आप लोगों को यू नो कंट्रोल किया हुआ, नॉट आप लोगों को, आप लोग की जो सिचुएशन है उसको डिवाइन कंट्रोल करेंगे, ओके। सो आप टेंशन मत लो, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हुए हैं, ठीक है। सो टेंशन मत लीजिए, ओके। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ओके। हेलो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड्स निकला है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ रॉड्स, ओके, और टेन ऑफ सॉट्स है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है एंड द सन है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए सन निकला था, सो बहुत ही अच्छी बात है, ओके। जहाँ तक मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, आई थिंक मुझे यहाँ दो तरीके की एनर्जी मिल रहा है, या तो आपने किया है या फिर आपके साथ हुआ है, ओके। किसी ने तो आपके साथ गद्दारी किया है या फिर आपने किसी और के साथ गद्दारी किया है, ओके। देख लीजिएगा आपके साथ जो भी रेजोनेट करता है, क्योंकि मुझे यहाँ दो तरीके की एनर्जी मिल रहा है इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में से जो व्यूअर्स अभी देख रहे हो, कुछ लोगों के साथ गद्दारी किया है किसी ने, स्पेशली लव में, ओके। एंड कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे के साथ किया है, चाहे वो आपने अनजाने में ही क्यों ना किया हो, लेकिन मुझे यहाँ अनजाने में किया हुआ गलती जैसा नहीं लग रहा है, ओके। लग रहा है कि जानबूझकर ही किया है जिसने भी किया है, ओके। सो उस चीज़ से आप लोग काफ़ी हद तक मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप लोग इस किस्म की पेन में अभी भी यू नो फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो इस पेन से, तो आने वाला महीना यानी अप्रैल के महीने में आप लोग काफ़ी हील होने वाले हो, इस सिचुएशन से काफ़ी हद तक आप लोग निकलने वाले हो, ठीक है। एंड किसी का मैसेज आने वाला है आप लोगों का, अगर आपको किसी का कॉल या मैसेजेस की इंतज़ार में है आप लोग, तो आने की पूरी पूरी चांसेस है। स्पेशली मुझे यहाँ पर मैसेज आने की चांसेस ज़्यादा लग रहा है, कॉल से ज़्यादा मैसेज आने की चांसेस है आप लोगों के लिए, या फिर आप किसी को करने वाले हो, ये भी हो सकता है, ओके। अगर आप किसी इंसान के साथ नो कॉन्टेक्ट में हो काफ़ी टाइम से एंड आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट मूव लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे हो, तो मुझे नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल के महीने में ये लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन का गैप्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका और उस दूसरे इंसान का, वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लव से ही रिलेटेड हो, कोई और भी हो सकता है, ओके। सो मुझे वो कम्युनिकेशन का जो गैप्स है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है आपका और उस इंसान का, ओके। एंड मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग किसी चीज़ से थोड़ा डरे हुए से मुझे महसूस हो रहा है आप लोग। ये एनर्जी आई थिंक अप्रैल के मंथ में भी थोड़ा थोड़ा रहेगा आप लोगों का, कम्प्लीटली वैनिश तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग किसी इंसान से या फिर किसी सिचुएशन से, स्पेशली आई थिंक किसी इंसान से, आप में से बहुत से लोग डरे हुए हैं, मतलब उस इंसान से कम्युनिकेट करने से आप लोगों को डर लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ अप्रैल के मंथ में भी उसका थोड़ा असर ज़रूर रहेगा आप लोगों में, कंप्लीट ख़त्म होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो भी है वो डर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस किस्म की अगर आप डर में हैं तो उस डर को मिटाइए, ठीक है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करने से डर रहे हैं तो मत कीजिए, डरिए मत, कम्युनिकेट कीजिए, ओके। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ओके। जो भी डर है वो ख़त्म कीजिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है आप लोगों के लिए, सन। तो आप किसी किस्म की अगर फिज़िकल पेन हो या फिर मेंटली इमोशनली अगर आप लोग एंजाइटी से या फिर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो उससे आप लोग बाहर निकलने वाले हो आने वाले महीने में, ओके। लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत डर मुझे लग रहा है, मतलब फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग थोड़े थोड़े डरे हुए से अप्रैल के मंथ में भी लग रहे हो, तो उससे आप लोगों को निकलने के लिए खुद आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा,
ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो नहीं जाता है, आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो आप इस एनर्जी में आ पाओगे, द सन की एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये। ओके, मुझे आप लोग काफ़ी हील होते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पर एंजल्स आपके साथ है। ओके, एंजल्स की प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है, तो आप लोग काफ़ी हील होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप लोग किसी किस्म की इकोनॉमिक इश्यू से गुजर रहे हो तो उससे भी आप लोगों को वो उस प्रॉब्लम से आप लोग निकल पाओगे। मुझे यहाँ पर काफ़ी अबंडेंस नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस, अबंडेंस। ओके, आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हो आने वाले महीने में, लेकिन जो भी ये 1 से 2% जो डर है उसको आपको ख़त्म करना है, ठीक है। सब कुछ मुझे यहाँ पर अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है आने वाले महीने में। यहाँ आपको कोई इंसान प्रपोज भी कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान स्लो है काफ़ी, जो भी इंसान आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक उन्हीं के साथ आपका कुछ अनबन हुआ था, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। या फिर आप किसी को अगर प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें अगर आप लोग आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो, सोच रहे हो कि प्रपोज करें या ना करें, तो आप कर सकते हो, आने वाला महीना आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप लोग किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड प्रपोजल हो या फिर ऐसे ही जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, ऐसा कोई प्रपोजल हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। काम से रिलेटेड अगर किसी किस्म की टेंशन में है आप लोग, तो उसमें भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। ओके, बस आपको क्या करना है, जो भी थोड़ा बहुत डर है उसके ऊपर काम कीजिए, उस डर से निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वर्क कीजिए। और जो नेगेटिव थॉट्स, मुझे ऐसा लग रहा है जो 9 of Rods की जो एनर्जी है ना, ये एक किस्म की इल्यूजन मैं कह सकती हूँ। ओके, ये परमानेंट वाला चीज़ नहीं है। ओके, सो इससे आप लोग निकलने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा बहुत हार्डवर्क कीजिएगा निकलने के लिए। स्पेशली आपकी इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है, अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, धोखा दिया है, चाहे वो प्यार में हो या करियर में हो या फिर आपके अपने किसी ने अपनों में से किसी ने अगर आपको हर्ट किया है, तो उससे आप हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी हील होने वाले हो और अपनों के साथ आपका काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हो, और काफ़ी अच्छा भी लगेगा, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो यहाँ आपके लिए मैसेज है आर्कएंजल जेरेमायल की तरफ से, ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू विथ हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। ओके, जो कुछ भी हुआ आपके साथ पास्ट में या फिर करंट सिचुएशन जो भी चल रहा है आपके लिए लाइफ में, ओके, उसका पीछे एक खास मकसद है, एक खास ब्लेसिंग्स है। ओके, मैं क्या बोलती हूँ हमेशा अपने वीडियो में, मैं यही बात बोलती हूँ कि जो भी बुरा वक्त आता है वो हमारी अच्छे के लिए आता है। ओके, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, उसके पीछे जो ब्लेसिंग है वो हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है, तुरंत वो समझ में नहीं आता है। सो आपको वो ब्लेसिंग पता चलेगा कि आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ, जो कुछ भी बुरा सिचुएशन क्रिएट हुआ आपके साथ, वो क्यों हुआ, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ही हुआ है। ओके, आई थिंक वो इंसान सेजिटेरियस या फिर लियो हो सकता है। ओके, फायर एनर्जी मुझे लग रहा है उस इंसान का, ठीक है, फायर एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरा मैसेज है आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड आर्कएंजल सैंडलफोन, वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव। एंजल्स की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला हिडन ब्लेसिंग्स, उसके बारे में आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, ये वही गिफ्ट्स है। और बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था आप लोगों के लिए, द सन, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, बहुत ही एनर्जेटिक फील करने वाले हो। ओके, जो कुछ भी हुआ सिचुएशन उससे आप लोग निकलने वाले हो, जो भी बुरा वक्त आप लोगों ने देखा उससे आप लोग निकलने वाले हो। अगर आप किसी इंसान की कॉल या मैसेज या प्रपोजल्स के इंतज़ार में हो, तो वो मुझे मिलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैरिज से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड अगर आप लोग टेंशन ले रहे हो, तो उससे आप लोग निकलने वाले हो। ओके, हो सकता है ये आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ना हो, लेकिन हाँ आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, सो डोंट वरी। यहाँ आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि गेटिंग टू नो ईच अदर, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर जाने के बारे में सोच रहे हैं और आप उस इंसान को जानते हो, सो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, जैसे कि मैंने बोला कम्युनिकेशन
आई थिंक नहीं था आप लोगों का, वो अप्रैल के मंथ में होने वाला है. ओके, सो कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे को, आप जो हो रियल में आप उसको दिखाइए. यहाँ पर वही मैसेज है आप लोगों के लिए. ओके, आप जो रियल में हो, आपकी जो इनर सेल्फ है उसको बाहर निकालिए, एक दूसरे को जानिए, पहचानिए. ओके, और यहाँ पर मेक द एफर्ट. दूसरा गाइडेंस भी आया है आप लोगों के लिए, लव गाइडेंस. जो ट्रू लव होता है, जो आपके लिए बेहतर होता है, उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है, अगर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो तो निकलिए इस एनर्जी से, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी स्लो है. ठीक है, ये एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक रहता है अपने डिसीजन को लेकर, वो थोड़े कन्फ्यूज सा रहता है कि कदम आगे बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ इस किस्म से. ओके, सो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है. अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा. ओके, तभी आपको सही पर्सन मिलेगा. ठीक है, करियर में भी सेम चीज़ है. अगर करियर में भी आप सोच रहे हो कि घर बैठे बैठे ऑटोमेटिकली आपको कोई बढ़िया सा जॉब ऑफर मिल जाएगा, यू नो समथिंग लाइक दैट, आपको बिना मेहनत के ही मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. चाहे वो करियर हो, मतलब पैसों से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर आपकी एडुकेशन से रिलेटेड हो, है ना. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. ओके, और दूसरा कार्ड है एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन ए ब्यूटिफुल वे. वहाँ पर भी ऑल इज वेल आया था, लाइक आर्कएंजल जेरेमायाह की तरफ से. यहाँ पर ओरेकल मैसेज में भी आपके लिए आया है एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी. ओके, यहाँ पर क्या आया था आप लोगों के लिए, हिडन ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की तरफ से आप लोग को गिफ्ट्स मिलने वाला है. सो हर तरफ से आपको पॉजिटिव साइंस मिल रहा है. ओके, आप लोग टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए. ओके, और दूसरा जो ऑरेकल मैसेज है, इसमें आपको अपने इंट्यूशंस के बारे में सुनने के लिए बोला गया है. आपकी जो यू नो इनर सेल्फ है, इनर जो नॉलेज है, जो इनर सेल्फ आपसे बात करता है, उसको सुनिए, उसको इग्नोर मत कीजिए. ठीक है, यहाँ व्यूअर्स में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी इंट्यूटिव हो. अगर आप लोग इंट्यूटिव नहीं हैं, सो आने वाले मंथ में आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई होते हुए मुझे नज़र आ रहा है. ओके, दैट्स वाई आपको यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि अपनी इंट्यूशंस का सुनिए. ठीक है, इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए. ऐसा मत सोचिए कि नहीं 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 एवे मेरे ख्याल आ गया दिमाग में, ये सही नहीं होगा, इस तरह कैसे मत सोचिएगा. ठीक है, हमेशा दूसरों का राय लेना, दूसरों का ओपिनियन लेना हर वक्त सही भी नहीं होता है. अपना इंट्यूशंस का सुनिएगा, ठीक है, तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा. अदरवाइज आपका ये पूरा मंथ बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, आने वाला मंथ. बस जो 1-2% जो डर आपके अंदर है ना, उसको ख़त्म कर दीजिएगा. ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, हेलो फायर साइन एरिस लियो एंड सजिटेरियस, ये रहे आपके लिए कार्ड्स. ओके, यहाँ पर है 9 of Cups, Ace of Swords, The Fool, 8 of Wands, okay, 8 of Rods, 3 of Swords, Queen of Pentacles, Justice and the Chariot. Okay, so आप लोगों के लिए 3 major arcanas आए हैं और बहुत ही beautiful cards आए हैं. So April का month, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों के लिए एक new beginning होगा. Okay, चाहे वो love से related हो या फिर career से related हो, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है April का month आप लोगों के लिए. ठीक है, अगर आप लोगों को पास्ट में किसी ने हर्ट किया है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या कोई भी हो, ठीक है, अगर आपका दिल तोड़ा है, तकलीफ दिया है आपको इमोशनली, ओके, सो उससे आपको रिलीफ मिलने वाला है, स्पेशली आपको जस्टिस मिलने वाला है. ओके, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है, फील आ रहा है ये जस्टिस कार्ड से, क्या आपको जस्टिस मिलने वाला है. और स्पेशली ये जस्टिस वही इंसान देगा, मुझे ऐसा यहाँ ज़्यादा ये चीज़ फील हो रहा है, वही इंसान आपको जस्टिस देगा जिसने आपको तकलीफ़ दिया है. ओके, मेरी वो इंसान आपको मैसेज कर सकता है. यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहा है. अगर आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन बंद है, ओके, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, तो बातचीत करने वाले हो. ओके, वो इंसान आपके तरफ काफ़ी तेज़ी से, तेज़ रफ्तार से आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है. जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही साइंस हो. ठीक है, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग लगा ये साइंस यहाँ पर, इसीलिए मैं बता रही हूँ. ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है. ओके, एंड ऑल्सो फायर साइन भी है. सो वो शख्स
जो भी है जिसने आपको तकलीफ दिया है पास्ट में, वो शख्स आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक आप उस शख्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है या फिर सेपरेशन में है या फिर डिवोर्स होने की चांसेस है, ऐसा कुछ अगर चल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जो सिंगल्स हैं वो एक न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड जिनका कंप्लीट यू नो परमानेंट ब्रेकअप हो चुका है, वो लोग भी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर दो स्टोरी नज़र आ रहा है। पहला तो जिनके साथ आप ऑलरेडी कमिटेड हो, आप उस इंसान को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि उनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो कम्प्लीटली यू नो अच्छा हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट ज़्यादा लग रहा है। ओके, एंड जो लोग सिंगल है अभी, वो लोग अपने लिए न्यू पार्टनर के तलाश में हैं, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू पार्टनर को। ओके, एंड मुझे आप लोगों का विश पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आप लोगों की रिलेशनशिप में, आप लोगों की लाइफ में। अगर आप करियर से रिलेटेड भी ये वीडियो देख रहे हो और आप करियर से रिलेटेड अपने पसंद का कोई जॉब या बिजनेस यू नो कुछ भी ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, आपको सक्सेस मिलने वाला है एंड काफ़ी तेज़ी से होगा ये चीज़, मुझे ये फील हो रहा है, मतलब फास्ट होगा, फास्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, काफ़ी फास्ट होगा। एंड आप अपनी वर्थ को पहचानोगे, ऑलरेडी आप पहचानते हो आपका वर्थ क्या है, आप किस काबिल हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको पता है। ओके, लेकिन जिस इंसान ने भी आपको तकलीफ दिया है, उस इंसान को भी आपका वैल्यू पता होगा। अभी अगर इससे पहले वो आपको काफ़ी लाइटली ले रहे थे, तो अभी वो आपके लिए काफ़ी सीरियस होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी वैल्यू को वो मतलब अभी अप्रिशिएट करेंगे, खुलकर बोलेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। ठीक है, और आप काफ़ी खुश होने वाले हो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आप लोग ऐसे हो जो भले ही तकलीफ़ में हो लेकिन स्टिल आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि अप्रैल का मंथ बहुत ही बढ़िया है, आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत सारे पोर्टल्स खुलेंगे आप लोगों के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लव से रिलेटेड हो या फिर जॉब से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, आप मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और आपको इससे सक्सेस मिलेगा। आप लोग अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन में हो डिसीजन लेने के मामले में, तो वो भी क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सही क्या है, गलत क्या है, ओके, उसको आप समझोगे। एंड जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, जिसको लेकर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी बैलेंस आएगा, इन एंड यांग की ऊर्जा यहाँ पर है। ओके, बैलेंस होगा, जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए थे वो ठीक होते हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छा रहने वाला है अप्रैल का मंथ। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पर है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप हार्मनी, आर्कएंजल की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। वेट अ मिनट, ये रहा। वी एंजल्स आर ओपनिंग द हार्ट्स ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड, आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग रिसॉल्व्ड नाउ। मैंने क्या बोला, अगर आपको किसी ने हर्ट किया है और आप उसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी इंसान का मैसेज या फ़ोन आने के बारे में आप सोच रहे हो, तो वो ठीक होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी आपके लिए वही मैसेज है, ओके, रिसॉल्व होने वाला है। किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है, चाहे वो लव से रिलेटेड हो या किसी अपने ने ही आपको तकलीफ क्यों ना दिया हो, उनके साथ सिचुएशन आपका बेहतर बनने वाला है। ओके, सब कुछ ठीक होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, और मुझे एक और मैसेज अभी मिला, जैसे हो सकता है आपके घर में कोई न्यू पेट आने वाला है आने वाले मंथ में। अगर आप लोग लाना चाह रहे हो तो ला सकते हो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, दूसरा है विक्ट्री। ओके, दूसरा कार्ड आप लोगों के लिए आया है, मैसेज एंजल्स की तरफ से गाइडेंस, वो है विक्ट्री। ये भी आर्कएंजल सेंटर फोन की तरफ से ही है, उनकी तरफ से ये बोला गया है, योर प्रेयर्स हैव बीन हियर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। आप जो भी प्रेयर कर रहे हो ऊपर वाले से, एंजल से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, जो भी आप प्रे कर रहे हो वो सुना जा रहा है और उसका आंसर आपको मिलने वाला है। सो ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस पर, ट्रस्ट कीजिए। ये जो डिवाइन की जो प्रोसेस होता है ना, वो सुपर फास्ट नहीं होता है कि आप आज या कल, दो तीन दिन या फिर एक महीना आप प्रे करोगे एंड सडनली आपका विश फुलफिल हो जाएगा।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी टाइम लगता है। किसी किसी का मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाता है, जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, तो किसी किसी का थोड़ा टाइम लगता है, ओके। लेकिन उसमें आपको क्या करना है, आपको भरोसा रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है, फेथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। लव गाइडेंस आप लोगों की तरफ से है, ये है डिसेप्शन। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, और मुझे ये उस इंसान का लग रहा है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लेकिन आप लोगों का बातचीत नहीं हो रहा है, आप लोगों का किसी किस्म की यू नो, जैसे कि मैंने बोला नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। मुझे उस इंसान की तरफ से ये फील हो रहा है कि वो अपना ट्रू सेल्फ आपको नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है ये एक अनकन्फेस्ड लव हो, ये भी हो सकता है कि आपने उस इंसान के सामने प्रपोजल रखा है एंड उस इंसान ने आपको आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना किया, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ओके। सो उस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए, आप जो व्यूअर्स है, आप लोगों के लिए फीलिंग्स है लेकिन वो उस चीज़ को छुपा रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं, ओके। जिस वजह से आपका दिल टूटा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने किया जिससे आपको लगा कि नहीं, ये इंसान मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे प्यार नहीं करता है, यू नो, इस किस्म की थॉट्स आपके दिमाग में आया, ओके, आपका हार्ट ब्रेक हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, वो इंसान भी आपको पसंद करता है, ओके। उसी के बारे में ये बोला गया है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में एक फॉल्स मास्क पहना हुआ है, ओके, जिसका जस्टिस वो खुद ही करेंगे, ओके, आने वाले महीने में। एंड दूसरा मैसेज है एंजल्स की तरफ से, जो लव गाइडेंस है वो है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सी, हर तरफ से आप लोगों के लिए बहुत यू नो खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आया है आप लोगों के लिए। इसमें भी आपके लिए आपको ये बोला गया है कि आप बिल्कुल सेफ हो, सो आपको नेक्स्ट मंथ जो भी लव प्रपोजल मिलेगा आपके, चाहे वो पार्टनर से हो या फिर किसी यू नो न्यू लव की तलाश में हो, अगर वो भी है, मतलब आपको मिलता है न्यू लव की तरफ से, तो वो भी एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जो लोग फिलहाल अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब रिसॉल्व होगा, ठीक है, और आप उनके प्यार को एक्सेप्ट कर सकते हो, ओके। तो अपने हार्ट को ओपन रखिएगा। आई थिंक आप में से बहुत से लोगों का हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो सकता है, मतलब ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट सिचुएशन, ओके। हार्ट चक्र आप में से कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ये मुझे फील हो रहा है। तो अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिएगा, ओके, इससे आप जो पॉजिटिव एनर्जीज है, ओके, लव से रिलेटेड, उसे आप एक्सेप्ट कर पाओगे, उसे आप ग्रेप कर पाओगे, ठीक है। इससे आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा, आपको दिखाई देगा कि हाँ ये सही है, एक्चुअल में ये डिसीजन लेना सही रहेगा, वो आपको पता चलेगा। एंजल्स ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर सेफ एंड दिस सिचुएशन इज अंडर द परफेक्ट कंट्रोल ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, आप बिल्कुल सेफ हो। ये जो सिचुएशन जो कुछ भी क्रिएट हुआ है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से, ये मतलब एक तो डिवाइन इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ कि ये होना ही था आपके साथ, इसलिए हुआ, ठीक है। सो आगे जो भी होगा आपके साथ, वो आपकी भलाई के लिए ही होगा। जो कुछ भी हुआ आपके साथ अब तक, वो भी आपकी भलाई के लिए है। सो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन को संभाल रहे हैं वो, ओके। सो आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ आपके लिए दूसरा मैसेज है, लव लाइफ न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव लाइफ इज हियर फॉर यू, ओके। सो जैसे कि मैंने बोला, जितने भी लोग न्यू लव के तलाश पे हैं, उनको न्यू लव ऑफर मिलेगा, न्यू लव ऑफर मिलेगा, आपका मैनिफेस्टेशन, ओके, वो काम आएगा। एंड ऑल्सो जो लोग अपने करेंट पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं या ब्रेकअप हो चुका है, उनके साथ उनका रीयूनियन होगा, ठीक है। आप लोगों का फिर से बातचीत होगा, फिर से सब कुछ ठीक होगा, एक न्यू स्टार्ट होगा और ये काफ़ी फ्रेश स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। तीसरा मैसेज है, ओरेकल मैसेज आप लोगों के लिए, लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, यू आर गाइडेड टू बी बोल्ड एंड शो योर बिगर देन लाइफ साइड टू द वर्ल्ड। खुद के ऊपर काम कीजिए, आपका जो बोल्ड साइड है उसको निखारिए, उसको सामने रखिए, लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखिए। आपके अंदर जो भी छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालिए। जैसे कि मैंने बोला, आपको कई सारे यू नो
ऐसे पोर्टल्स खुलेंगे, चाहे वो लव लाइफ से हो या फिर करियर से हो, ओके पोर्टल्स खुलेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, आप अगर छुपे रहेंगे, आपके जो भी टैलेंट है उसको आप निखारोगे नहीं, आप अपने बोल्ड साइड को लोगों के सामने दिखाओगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि आप एग्जैक्टली हो क्या, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपकी क्या खासियत है, वो कैसे पता चलेगा, राइट? सो उसके ऊपर काम कीजिए, बोल्ड बनिए, बी बोल्ड, ओके? कुछ भी बोलने से पहले बार बार हिचकिचाइएगा मत। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ बोलना चाहिए, ये स्टैंड लेना चाहिए, तो लीजिए, वो ज़रूरी होता है, इससे आपकी इंडिविजुअलिटी लोगों के सामने आता है, आपको पता चलता है लोगों को हाँ ये एक्चुअल में इंसान कैसा है, ओके? हिचकिचाहट मत रखिए किसी भी किस्म का, कुछ भी काम आपको करना पसंद है, क्रिएटिविटी आपको पसंद है, कीजिए, बेझिझक कीजिए, ओके? खुश रहिए, पॉजिटिव काम कीजिए, पॉजिटिव बातें सोचिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन में आपको पॉजिटिव रहना है, ओके? इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ओके? सो ये था आपका अप्रैल मंथ का रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके? हेलो लिब्रा जेमिनी एंड एक्वेरियस, ये रहे आपके कार्ड्स, यहाँ पर है एम्प्रेस, चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके? सो आप लोगों के लिए तीन मेजर अर्कानास आए हैं यहाँ पर। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए वैसे तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ओके? मेन चीज़ मुझे यहाँ आप लोग किसी किस्म की नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली जो पास्ट में हुआ आपके साथ, ओके? कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ हो या करियर से हो, वहाँ से आप लोग मुझे बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप ऐसा करने वाले हो तो, यहाँ तो दिख ही रहा है लेकिन आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? सो या ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि आप लोग नेगेटिव सिचुएशन से बाहर जाने वाले हो, जो भी हुआ पास्ट में आपके साथ, लेकिन स्टिल कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगा कि आप लोग खुद को लाइक काफ़ी गार्ड करके रखोगे, जैसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं है, ठीक है? जो कुछ भी हुआ आपके साथ या फिर करंट सिचुएशन में भी हो रहा है, आई थिंक आप लोगों के साथ किसी किस्म की जो कंफ्यूजन है आप लोगों का, उसमें आप लोग मुझे ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोग अकेले रहना पसंद करोगे, कहीं ना कहीं एक रेस्ट मोड पर रहोगे, ओके? किसी से बातचीत नहीं करना या फिर ज़्यादा सोशल नहीं होना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ये अप्रैल का मंथ में आप लोग रह सकते हो इस एनर्जी में, ओके? क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी देखा आपने, जो कुछ भी आपने झेला पास्ट में, सहा है, जो कुछ भी, उसका रिफ्लेक्शन मुझे अप्रैल मंथ में दिख रहा है, ओके? अप्रैल मंथ में आपके अंदर ये चीज़ थोड़ा बहुत तो रहेगा ज़रूर, ये मुझे फील हो रहा है। लेकिन आपके लिए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि आप लोग अपने काबिलियत को भी पहचानोगे, कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि आप ऑलरेडी अपने काबिलियत के बारे में जानते हो, आप किस चीज़ को डिज़र्व करते हो, आपकी क्या खूबी है, आपको ये पता है, और इसके बावजूद आपको जिसने भी हर्ट किया, आपने जो कुछ भी बुरा वक्त देखा, उस वजह से आप अपसेट हो जाते हो कि मैं इस लायक हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा ही क्यों किया गया, क्यों ये गलत हुआ, कहीं ना कहीं ये एक सोच आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है, ओके? लेकिन मैं बोलूँगी कि इससे निकलो, ओके? अप्रैल मंथ में आप लोग काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर सकते हो अगर आप लोग इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे तो, ठीक है? आप लोग अगर प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, जो भी मेरठ लोग देख रहे हो, अगर आप लोग प्रेगनेंसी की उम्मीद कर रहे हो तो अप्रैल के मंथ में आप लोगों को ये खुशखबरी मिलने की पूरी पूरी चांसेस है, ठीक है? प्रेगनेंसी एंड आप लोग अपनी ब्यूटी को काफ़ी निखारने वाले हो, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? आप लोग अपनी ब्यूटी के ऊपर काफ़ी वर्क करोगे और मुझे यहाँ पर करियर से रिलेटेड मेहनत करते हुए बहुत दिख रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में हो या फिर घर के ही किसी मेंबर ने आपको हर्ट किया हो, उसके वजह से ना आप लोग ये सोच रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे मेरे करियर में फोकस करना है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। जो कुछ भी हुआ पास्ट में वो एक
स्पेशल रीज़न के वजह से हुआ, राइट? वो आपको वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन उन बुरे वक्त के बारे में बार बार सोच कर आप अपने करियर को बर्बाद मत करो। ये बहुत ज़रूरी होता है, करियर को बेहतर बनाओ। ये बेहतर बन गया ना, तो दुनिया का वो सारे जो टेंशन आपके दिमाग में आपके आसपास घूमते रहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगेगा। बिलीव मी, जिस इंसान का करियर एक बार बन जाता है ना, उसके दिमाग से बहुत सारे बर्डन्स ऑटोमेटिकली हटने लगते हैं, लव से रिलेटेड भी। कहीं ना कहीं वो इंसान ये श्योर हो जाता है कि नाउ आई एम सिक्योर, मैं अपनी खर्चा खुद उठा सकता हूँ, खुद उठा सकती हूँ, अपनी ज़रूरतें मैं पूरा कर सकती हूँ, अपने साथ साथ मैं दूसरों की यानी अपने फैमिली मेम्बर्स की भी ज़रूरतें पूरा कर सकती हूँ। चलो अगर फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतें पूरा नहीं भी कर पाते हो, फिर भी अगर आप खुद की भी खर्चा उठा पाते हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसे में क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आने वाले हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। द चैरियट इतना बढ़िया कार्ड आया है, आप लोगों को सक्सेस मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बस आपको किसी किसी चीज़ के ऊपर मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको काम करना चाहिए। मे बी आप लोगों का एंगर इशू हो सकता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे ये फील हो रहा है, एंगर इशू हो सकता है आप लोगों का, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा कड़वा बोल देते हो, इस वजह से भी कुछ ना कुछ ऐसा यू नो सिचुएशन क्रिएट होता है जिससे आपकी एनर्जी बाद में लो हो जाता है। ओके, आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो व्यूअर्स में से, हालांकि हर लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के वजह से भी सामने वाले के साथ उनका अक्सर बहस हो जाता है, एंड देन आप खुद ही हर्ट हो जाते हो, ये भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इस बात का अप्रैल के मंथ में कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाने से भी प्रॉब्लम होता है, ओके? तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, अपने एंगर इशू पे काम कीजिएगा, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो आप या फिर कोई दूसरा इंसान आपको सोशल मीडिया में काफ़ी स्टॉक करते हैं, और अप्रैल के मंथ में ये चीज़ मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है, मतलब होगा। आप भी किसी को सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हो, मुझे ये फील हो रहा है, ओके? अप्रैल के मंथ में ये चीज़ होने वाला है। आई थिंक अभी भी आप करते हो, करंट सिचुएशन में भी आप ये चीज़ करते हो, किसी को स्टॉक बहुत करते हो आप सोशल मीडिया पर, और ये चीज़ मुझे अप्रैल के मंथ में भी नज़र आ रहा है, और कोई आपके ऊपर भी नज़र रखा हुआ है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ओके? सो कौन क्या सोचता है, कौन आपके बारे में आपकी सोशल मीडिया स्टॉक करता है, उसको मारिए गोली, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको खुद के ऊपर काम करना है, अपनी करियर स्टडी इसके ऊपर आपको वर्क करना है। अगर आप अपनी लुक्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, अपनी ब्यूटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसको कीजिए। जो कंफ्यूजिंग नेचर है वो काफ़ी हद तक लोगों का ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों का मुझे लग रहा है कि अप्रैल के मंथ में भी आप थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं आपको डाउट रहेगा कुछ भी काम करने से पहले। सो डाउट मत रखिएगा, ओके? आप अगर करियर के बारे में सोच रहे हो, लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलने वाला है। जो भी सिचुएशन हुआ उससे आपको नॉलेज काफ़ी गेन हुआ है, ये मैं यहाँ पर अच्छे से बता सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को नॉलेज काफ़ी गेन हुआ है, ओके? सो यहाँ आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस है, ये मैं बता दूँ आप लोगों को। वर्कशॉप एंड सेरेमनीज, ओके? एक मिनट, मैं पास से दिखाती हूँ। सॉरी, सेरेमनीज नहीं था, सेमिनर्स था। वर्कशॉप एंड सेमिनर्स, अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस। बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। किसी किस्म की वर्कशॉप या सेमिनार्स वगैरह आप अटेंड कर सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और सीखिएगा नई नई चीज़ें, नई नई बातें सीखिएगा इससे, और आपकी लाइफ में अब तक जो कुछ भी हुआ है, हर्मिट की एनर्जी से मैं ये बता सकती हूँ कि आपने काफ़ी कुछ नॉलेज गेन किया है, ओके? नॉलेज मीन्स आपके करंट सिचुएशन से, पास्ट सिचुएशन से आपने काफ़ी कुछ नॉलेज गेन किया है, उन नॉलेज को बांटिएगा लोगों के साथ। इससे आपको, आप जब लोगों को बताएंगे तो लोगों को भी काफ़ी सीखने को मिलेगा आपसे, ठीक है। और आपको भी बताया गया है कि आप भी दूसरों से सीखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, ओके? नॉट ओनली लोगों, दूसरे लोगों से जो भी आपके साथ हो रहा है, ठीक है, उससे भी सीखिए,
नॉलेज गेन कीजिए, स्पीच लर्न कीजिए, प्लस दूसरों को सिखाइए। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत अच्छी मैसेज भी है। ओके, दूसरा मैसेज है आर्कएंजल यूरियल की तरफ से, योर इमोशंस आर बीटिंग व्हिच एनेबल्स टू ओपन टू ग्रेटर लव। आई विल हेल्प यू रिलीज एंगर एंड अनफॉरगिवनेस फ्रॉम योर हार्ट एंड माइंड। सी, एंगर इशू, मैंने क्या बोला, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मैंने ये बताया था आप लोगों को। क्या आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एंगर इशू है, तो इससे भी ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है। सो उसको आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने एंगर इशू को, नॉट ओनली एंगर, आई थिंक इमोशनल होने में भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ओके, बैलेंस नहीं कर पाते हो, ओके, सो उसको बैलेंस कीजिए। इसमें आप लोगों का चैरियट से मैं एक और बात बता सकती हूँ कि बैलेंस होने वाले हो आप लोग की इमोशनल साइड्स, इमोशनल जो भी फीलिंग्स है आप लोगों का जो ओवरफ्लो हो जाता है, वो बैलेंस होने वाला है आप लोगों का। और यहाँ एंजल्स आपके मदद करेंगे, वो भी आर्कएंजल्स आप लोगों की मदद करेंगे, ओके। सो वो लोग जब आपको मदद करेंगे तो आपको भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, अपने इमोशनल साइड्स को बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ आपके लिए ओरेकल मैसेजेस है, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटिफुल वे, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, ओके, सो आप टेंशन मत लीजिए, ये सब एक अच्छे रीजंस के वजह से हो रहा है, ओके, एक ब्यूटीफुल रीजन है इसके पीछे जिस वजह से आपके साथ ये सब हुआ है, ओके, और आगे आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये जो रीजन है वो आपको बाद में पता चलेगा, आने वाला मंथ में भी आपको पता चल जाए ये चीज़, अप्रैल के महीने में, ओके, सो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अपने जो भी करंट या पास सिचुएशन है उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा ओरेकल मैसेज है, सरेंडर टू मिरेकल्स, बी ओपन टू मिरेकल्स ऑक्यूरिंग इन योर लाइफ, फील एंड नो दैट दिस इवेंट्स आर रियल, लेट गो ऑफ एनी रेजिस्टेंस एंड वैनिश एनी डाउट दैट मिरेकल्स कैन हैपन। सरेंडर कीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हो सरेंडर मीन्स वॉट, आप अगर करंट सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, ओके, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए एंड इनर वर्क कीजिए, खुद के करियर के ऊपर फोकस कीजिएगा, एट ऑफ पेंटिकल्स है ना, खुद के करियर के ऊपर फोकस कीजिएगा, खुद के लुक्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, जो भी काम आप करते हो उसके ऊपर फोकस कीजिएगा एंड जो भी करंट सिचुएशन है वो आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, वो संभाल लेंगे, ओके। तो आपको सरेंडर करने के लिए बोला गया है, अगर आप इस चीज़ को, इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप सरेंडर कीजिए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, वो संभाल लेंगे इस सिचुएशन को, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और डाउट मत रखिए, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं, ओके। जब इंसान के लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होता है तो लोगों को लगता है कि मिरेकल्स तो होते ही नहीं है, बट होते हैं मिरेकल्स, ओके, और ये अनएक्सपेक्टेड वे में आता है, सडनली हो जाता है मिरेकल्स, तो ये विश्वास रखिएगा, सोचिएगा कि कुछ तो मिरेकल होने वाला है मेरे लाइफ में, ओके, और ये अप्रैल के मंथ में होने की पूरी पूरी चांसेस है आप लोगों के लिए, ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तीसरा मैसेज है आप लोगों के लिए, अननेसेसरी वरीज, रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हीलिंग एंड सॉल्यूशंस। यहाँ पर भी सेम चीज़ बोला गया, यहाँ आपको मेन सरेंडर करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, दो दो कांस आ गए हैं आप लोगों के लिए, अननेसेसरी टेंशन मत लीजिएगा, ये जो टू ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये भी वही है, ये इंसान खुद देख सकता है, ये खुद पट्टी हटा सकता है अपने आंखों से तलवारों को फेंक के, लेकिन कर नहीं रहा है, तो ये एक ऐसी चीज़ है ना, अननेसेसरी मतलब ऐसे दिमागी ख्याली जो भी टेंशन होता है ना, इंसान खुद चुन चुन के लाता है कई सारे टेंशन, जबकि उसका कुछ रियल में वो नहीं होता है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता है वो चीज़, तो इतना टेंशन मत लीजिए। आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, जो ओवरथिंक करते हैं उनको बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली एंजाइटी डिप्रेशन में वो लोग चले जाते हैं, तो मत कीजिए, आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, ठीक है, गॉड इसको संभाल लेंगे, ऊपर वाला इसको संभाल लेंगे और आपको हील करेंगे।
ठीक है। सो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, अपने करियर और अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।